मुन्नार इंडिया का एक ऐसा हिल स्टेशन जो हर साल अपनी नेचुरल ब्यूटी, लश ग्रीनरी, टी प्लांटेशन और सीनिक व्यू पॉइंट्स की वजह से हजारों टूरिस्ट को यहां अट्रैक्ट करता है। 5,200 फीट के एवरेज ऑल्टीट्यूड पर लोकेटेड मुन्नार केरला के इडुकी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड एक बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है, जो कि एक टाइम पे ब्रिटिश इंडिया का समर रिजॉर्ट भी हुआ करता था। अगर आप अपनी रेगुलर लाइफ से ब्रेक लेकर एक शांत, सुंदर और रिलैक्सिंग जगह पे कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो मुन्नार आपके लिए एक परफेक्ट प्लेस है। वैसे तो मुन्नार आप साल के किसी भी टाइम पे जा सकते हैं, लेकिन अगर आप मॉनसून के टाइम पे यहाँ विजिट करने आते हैं तो यहाँ की लश ग्रीनरी और एक्टिव वाटरफॉल्स का जो नज़ारा आपको देखने को मिलता है उसे वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। तो अगर आप भी मुन्नार की एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा मुन्नार की टॉप टूरिस्ट प्लेसेस जो कि आपको यहाँ आकर जरूर विजिट करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, इससे मुझे काफी मोटिवेशन मिलती है इस तरह के वीडियोस को बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप मुन्नार पहुंचेंगे कैसे। मुन्नार का खुद का कोई एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन नहीं है, इसलिए आपको यहाँ विजिट करने के लिए कोची या अलुवा आना होगा। अगर आप फ्लाइट से यहाँ आना चाहते हैं तो आप कोची तक की फ्लाइट ले सकते हैं, जो कि आपको इंडिया की ज्यादातर मेजर सिटीज से मिल जाएगी। कोची से मुन्नार 130 किलोमीटर लंबा डिस्टेंस है, जिसे कवर करने के लिए आप टैक्सी या स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस ले सकते हैं। अगर आप ट्रेन से यहाँ आना चाहते हैं तो आप अलुवा तक की ट्रेन ले सकते हैं, और ये ट्रेन भी आपको इंडिया की ज्यादातर मेजर सिटीज से मिल जाएगी। अलुवा से मुन्नार 110 किलोमीटर लंबा डिस्टेंस है, और इसके लिए भी आपको यहाँ से टैक्सी और स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप दिल्ली, चंडीगढ़, कोलकाता या जयपुर जैसी सिटी से यहाँ आ रहे हैं तो ये ट्रेन जर्नी काफी लंबी होने वाली है, और इतनी लंबी जर्नी पे अच्छा खाना मिलने में काफी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में आप रेल रेस्ट्रो ऐप का यूज कर सकते हैं। रेल रेस्ट्रो एक IRCTC ऑथोराइज्ड फूड डिलीवरी ऐप है, जिसकी मदद से आप ट्रेन में बैठे बैठे अपना फेवरेट फूड ऑर्डर कर सकते हैं। रेल रेस्ट्रो डायरेक्टली आपकी सीट तक आपका ऑर्डर डिलीवर कर देता है, और इसके लिए आपको सिंपली इनकी ऐप या वेबसाइट पर जाकर अपना ट्रेन नंबर या PNR नंबर डालना है, अपना स्टेशन चूज करना है, और इनके रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अब क्योंकि ये फूड सीधा रेस्टोरेंट से डिलीवर होता है, आपको यहाँ ट्रेन की पेंट्री कार से काफी ज्यादा वैरायटी मिल जाती है, और आप यहाँ से पिज्जा, बर्गर और रसमलाई जैसी चीजें भी ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि आपको ट्रेन की पेंट्री कार से मिलना इम्पॉसिबल है। तो अपनी अगली जर्नी से पहले इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि अगर आप बाय रोड यहाँ आ रहे हैं तो मुन्नार तक की रोड कंडीशन भी काफी अच्छी है, और आप बैंगलोर, मदुरई, कोची और वायनाड जैसी सिटीज से अपने पर्सनल व्हीकल में भी यहाँ इजिली आ सकते हैं। मुन्नार आकर सबसे पहले आपको कुंडला लेक में विजिट करना चाहिए। कुंडला लेक मुन्नार के डेंस फॉरेस्ट में लोकेटेड है, और ये लेक अपनी सीनिक ब्यूटी और पीसफुल वाइब्स की वजह से फेमस है। इस लेक में आप कश्मीरी शिकारा टाइप बोट राइड भी ले सकते हैं, और इस लेक के पास एक आर्टिफिशियल डैम भी है, जो कि आपको जरूर विजिट करना चाहिए। इस जगह को और भी ज्यादा सुंदर बनाते हैं यहाँ के चेरी ब्लॉसम फ्लावर्स, जो कि साल में सिर्फ 2 बार खिलते हैं, और अगर आप मार्च, अप्रैल या सितंबर, अक्टूबर के टाइम पे यहाँ विजिट करने आते हैं तो इन फ्लावर्स के साथ इस लेक की नेचुरल ब्यूटी को आप बहुत ही ज्यादा एंजॉय करेंगे। इसके बाद आप यहाँ के कलरी क्षेत्र में भी विजिट कर सकते हैं। कलरी क्षेत्र इंडिया के ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट कलरीपयट्टू और इंडियन क्लासिकल डांस कथकली का एक काफी इंपॉर्टेंट सेंटर है, जहां हर रोज कथकली और कलरीपयट्टू की क्लासेस, वर्कशॉप्स और परफॉर्मेंसेस होती है, जो कि आप यहां आकर अटेंड कर सकते हैं। अगर आप मुन्नार आकर केरला के ट्रेडिशनल कल्चर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपको कलरी क्षेत्र जरूर विजिट करना चाहिए। इसके बाद आप एको पॉइंट पे विजिट कर सकते हैं, जो कि कुंडला लेक के पास सिचुएटेड एक बहुत ही सुंदर व्यू पॉइंट है। इस जगह पे आकर अगर आप जोर से कुछ चिल्लाएंगे तो आपको अपनी आवाज का एक एको सुनाई देगा, और इसी वजह से इसे एको पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। एको पॉइंट साउथ इंडिया की 3 माउंटेन रेंजेस, मुद्रपूजा, नल्लाथनी और कुंडला रेंज का मीटिंग पॉइंट है, और यहाँ से आपको मिस्टी क्लाउड्स, माउंटेन रेंजेस, फॉरेस्ट कवर और लश ग्रीनरी का बहुत ही बढ़िया मिक्सचर देखने को मिलता है। एको पॉइंट आकर आप यहाँ की पीक तक का ट्रैक भी कर सकते हैं, जहाँ से आपको बहुत ही बढ़िया पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है। एको पॉइंट में यहाँ के एक बहुत ही रेयर नील कुरिंजी फ्लावर्स भी खिलते हैं। इन फ्लावर्स की खास बात यह है कि ये फ्लावर्स 12 साल में सिर्फ 1 बार खिलते हैं, और इनका अगला ब्लूम 2030 में आएगा। तो अगर आप 2030 में ये वीडियो देख रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके काफी काम आने वाली है। इसके बाद अगला स्टॉप आपको पोथामेडू व्यू पॉइंट पे लेना चाहिए। पोथामेडू व्यू पॉइंट मुन्नार से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है, और इस व्यू पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको एक छोटा सा ट्रैक करना होगा, और यहां से आपको मिस्ट और ग्रीनरी का बहुत ही बढ़िया व्यू देखने को मिलता है। इस एरिया में आपको टी, कॉफी और कार्डमम की बहुत ही सुंदर प्लांटेशन देखने को मिलती है, और एक क्लियर डे पे आपको यहां से इडुकी आर्च डैम भी देखने को मिलता है।
इस व्यू पॉइंट की पीसफुल वाइब्स को एब्जॉर्ब करने के लिए आप यहाँ की टी स्टॉल से चाय लेकर सनसेट की व्यू को भी विटनेस कर सकते हैं। इसके बाद आप मुन्नार की सबसे सीनिक लोकेशन में से एक टॉप स्टेशन पे विजिट कर सकते हैं। मुन्नार से 32 किलोमीटर दूर टॉप स्टेशन अपने टी गार्डन्स की वजह से फेमस है, जो कि मुन्नार की सबसे मेन हाईलाइट है। इन टी गार्डन्स को आप वॉक करके एक्सप्लोर कर सकते हैं और यहाँ के लोकल से यहाँ के टी प्रोडक्शन और कल्टीवेशन प्रोसेस को भी समझ सकते हैं। इनफैक्ट टॉप स्टेशन एक ट्रांसशिपमेंट पॉइंट हुआ करता था, जहाँ से मुन्नार की चाय को तमिलनाडु डिलीवर किया जाता था और फिर वहाँ से ये चाय बाकी इंडिया और इंग्लैंड में भेजी जाती थी। मुन्नार से टी ट्रांसपोर्टेशन के लिए 1902 में ब्रिटिशर्स द्वारा यहां एक मोनोरेल गुड्स कैरियर सिस्टम इंस्टॉल किया गया था, जिसे 6 साल बाद 1908 में 24-inch गॉज रेलवे से रिप्लेस कर दिया गया था। टॉप स्टेशन उस टाइम पे इस कुंडला वैली रेलवे लाइन का हाईएस्ट रेलवे स्टेशन था और इसी वजह से इस जगह का नाम टॉप स्टेशन रखा गया था। यहाँ के पैनोरामिक व्यू पॉइंट्स और टी गार्डन्स की वजह से मुन्नार आकर आपको टॉप स्टेशन पे जरूर विजिट करना चाहिए। इसके बाद आपको मुन्नार की एक हाई माउंटेन पीक मीसापुलीमाला पे भी जरूर विजिट करना चाहिए। मीसापुलीमाला 8,660 फीट के ऑल्टीट्यूड पे लोकेटेड साउथ इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है, जहां से आपको लश ग्रीनरी, टी गार्डन्स और तमिलनाडु स्टेट का भी बहुत ही बढ़िया पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है। मीसापुलीमाला पीक 8 माउंटेन रेंजेस के मिक्सचर से बनी है और यहां तक पहुंचने के लिए आपको इन 8 माउंटेन्स को क्रॉस करके यहां आना होता है। अगर आप ट्रैकिंग लवर हैं तो ये जगह आपके लिए किसी पैराडाइज से कम नहीं है। इस पीक तक पहुंचने के लिए आपको एक ट्रैक करना पड़ता है, जिसके दो स्टार्टिंग पॉइंट है, एक है रोडो वैली और एक है साइलेंट वैली। रोडो वैली से ट्रैक 8 किलोमीटर लंबा है और साइलेंट वैली से 6 किलोमीटर। हालांकि इन दोनों ही स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको जीप सफारी लेकर यहां आना होगा, जो कि आपको मुन्नार से इजीली मिल जाएगी। इस पीक तक का ट्रैक भी एक बहुत ही सुंदर और एडवेंचरस ट्रैक है और यहां के टॉप पे पहुंच के आपको जो व्यू देखने को मिलता है, उसे आप लाइफ में कभी नहीं भूलने वाले। अपनी रिच बायोडाइवर्सिटी और एडवेंचरस टेरेन की वजह से मीसापुलीमाला पीक को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी प्राप्त है। इसके बाद अगला स्टॉप आपको मुन्नार की सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन एराविकुलम नेशनल पार्क में लेना चाहिए। एराविकुलम नेशनल पार्क मुन्नार से सिर्फ 45 मिनट्स की ड्राइव पे लोकेटेड है और ये पार्क अपनी वाइड वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना की वजह से फेमस है। अगर यहाँ की वाइल्ड लाइफ की बात करें तो यहाँ 102 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, 26 मैमल स्पीसीज, 101 बटरफ्लाई स्पीसीज, नीलगिरी लंगूर, एटलस मॉथ, लेपर्ड और लायन की काफी वाइड वैरायटी देखने को मिलती है। और अगर आप वाइल्ड लाइफ लवर हैं तो इस नेशनल पार्क में आपको जरूर विजिट करना चाहिए। इस नेशनल पार्क में एक इको टूरिज्म एक्टिविटी भी होती है, जहां आपको इस पूरे पार्क के अट्रैक्शंस और वाइल्ड लाइफ को काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है। और साथ ही आप यहां अनामुडी पीक तक का ट्रैक भी कर सकते हैं, जो कि 8,800 फीट के ऑल्टीट्यूड पे लोकेटेड साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है। पूरे साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक होने की वजह से इसे एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इस पीक तक पहुंचने के लिए आपको एक ट्रैक करना होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर होता है और यहां के टॉप से आपको इस लश ग्रीन वैली का बहुत ही बढ़िया व्यू देखने को मिलता है। इसके बाद आपको मुन्नार के सबसे सीनिक वाटरफॉल्स में से एक अट्टूगढ़ वाटरफॉल्स में भी जरूर विजिट करना चाहिए। अट्टूगढ़ वाटरफॉल्स मुन्नार से पल्ली वसल वाले रास्ते में एक डेंस फॉरेस्ट के बीच में लोकेटेड है और इस वाटरफॉल का नजारा देखते ही बनता है। चारों तरफ से डेंस फॉरेस्ट और ग्रीनरी से घिरे होने की वजह से इस वाटरफॉल पे आपको बहुत ही पीसफुल वाइब्स आती हैं। और अगर आप नेचर लवर या फोटोग्राफी एंथुजियास्ट हैं तो ये जगह आपके लिए एक मस्ट विजिट प्लेस है। इस वाटरफॉल के बेस पे यहाँ एक पूल बन जाता है, जहाँ आप स्विमिंग भी कर सकते हैं। वैसे तो इस वाटरफॉल पे आप साल के किसी भी टाइम पे विजिट कर सकते हैं, लेकिन मॉनसून के टाइम पे ये वाटरफॉल और यहाँ के फॉरेस्ट अपने फुल फ्लो में होते हैं, इसलिए इस तरह के वाटरफॉल को विजिट करने के लिए मॉनसून बेस्ट टाइम होता है। और फाइनली आपको मुन्नार की सबसे सीनिक टूरिस्ट अट्रैक्शन कोलुकुमलाई टी गार्डन्स में जरूर विजिट करना चाहिए। कोलुकुमलाई टी गार्डन्स मुन्नार से 31 किलोमीटर दूर 7,900 फीट के ऑल्टीट्यूड पे लोकेटेड दुनिया का हाईएस्ट टी एस्टेट है, जो कि अपनी स्पेशल टी लीव्स की वजह से फेमस है। ये टी गार्डन्स अपनी सीनिक ब्यूटी और ब्रेथ टेकिंग एटमॉस्फेयर की वजह से फेमस है और यहाँ एक काफी पुरानी टी फैक्ट्री भी है, जहाँ आज भी पुराने कन्वेंशनल तरीके से टी लीव्स की कल्टीवेशन होती है। इन टी फैक्ट्री में आप यहाँ की अलग अलग फ्लेवर की चाय को टेस्ट कर सकते हैं और अगर आप कुछ टी लीव्स खरीदना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ डायरेक्टली फैक्ट्री से ही खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ कोलुकुमलाई पीक तक का ट्रैक भी कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही ज्यादा सीनिक ट्रैक होता है और यहाँ के टॉप से आपको जो व्यू देखने को मिलता है उसे वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। इस पीक से सनसेट भी बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखता है और अगर आप शाम के टाइम पे यहाँ सनसेट को विटनेस करते हैं तो इस एक्सपीरियंस को आप अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलने वाले।
दोस्तों मुन्नार एक ऐसी जगह है कि आप यहाँ कितने भी दिन विजिट कर लें, इस जगह से आपका मन कभी भर ही नहीं सकता। मुन्नार आकर आपको यहाँ के हर पॉइंट पे ग्रीन कार्पेट की तरह बिछे हुए टी गार्डन्स और लश ग्रीनरी देखने को मिलती है, और इन टी गार्डन्स को आप यहाँ बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो चीज मुन्नार में टूरिज्म को और भी ज्यादा प्रमोट करती है वो है यहाँ का परफेक्ट वेदर। वैसे तो मुन्नार साल भर काफी प्लेजेंट रहता है, लेकिन अगर आप मॉनसून के टाइम पे यहाँ आते हैं तो उस टाइम पे ये पूरा टाउन एकदम लाइवली हो जाता है, और इस टाइम पे यहाँ आकर आपका यहाँ से वापस जाने का मन ही नहीं करेगा। तो दोस्तों आपको जब भी मौका मिले आपको लाइफ में कम से कम एक बार मुन्नार विजिट करने जरूर आना चाहिए। हालांकि इन सब के अलावा भी मुन्नार में काफी सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जैसे कि टाटा टी म्यूजियम, वंडर वैली अम्यूजमेंट पार्क, चिन्नर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिन्नर कनल वाटरफॉल्स, चोकरामुड़ी पीक, फोटो पॉइंट और भी बहुत कुछ, जो कि आप अपनी मुन्नार ट्रिप में इंक्लूड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं, टिल दैट टाइम गुड बाय।